सो गाइस, ये है नर्मदापुरम का नर्मदा ब्रिज, जो कि गाइस होशंगाबाद के पास पड़ता है। यहाँ से हम जा रहे हैं सलकनपुर, सीहोर जिले में स्थित विजासन देवी धाम सलकनपुर। ये है मंदिर का मेन गेट और यहाँ पे गाइस दुकानें लगी हुई है जिसमें पूजा की सामग्री मिल रही है। आप यहाँ से सामग्री ले सकते हैं अगर आप सीढ़ी वाले मार्ग से जा रहे हैं या फिर केबल कार रोपवे से जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं सीहोर जिले में स्थित रेहटी में विंध्य की मनोहारी पहाड़ी पर विजयासन देवी का मंदिर, जो कि गाइस सलकनपुर मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ पे जाने के लिए गाइस अगर आप होशंगाबाद से जाते हैं तो बस से आपको 33 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। एंड गाइस, आपको यहाँ ऊपर पहाड़ी में जाने के लिए तीन रास्ते आपको मिलेंगे, जिसमें से गाइस आपको सीढ़ियों से भी आप चलकर जा सकते हैं, साथ ही यहाँ पे रोपवे, जिसे केबल कार भी कहते हैं, उससे जा सकते हैं, और साथ ही आपको फोर व्हीलर से भी आप जा सकते हैं पहाड़ी के ऊपर तक, यानी कि विजयासन मंदिर तक। वहाँ पे गाइस फोर व्हीलर के जाने के लिए, टू व्हीलर के लिए जाने के लिए गाइस रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे गाइस साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्रि पर मंदिर की जो छटा है गाइस निराली होती है। ये आस्था और श्रद्धा का शक्ति पीठ है। अभी मॉर्निंग का समय है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुन सकते हैं आरती हो रही है। यहाँ पे केबल कार से हम जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको पहले टिकट कटवाना होगा, जो कि गाइस बहुत कम है। यहाँ पे 100 रुपये में आना जाना आपका हो जाएगा पर पर्सन। आपको नीचे भी आ जाएंगे और ऊपर भी आप जा सकते हैं। माँ का मंदिर गाइस लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है। विजयासन देवी की यह प्रतिमा लगभग 400 साल पुरानी और स्वयंभू मानी जाती है। तो फिलहाल हम अब यहाँ पे केबल कार यानी कि रोपवे में बैठे हुए हैं, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इधर और भी है तालाब, ये पानी वाला इधर भी है। हाँ इधर है ना, इधर से नील का सड़क उस साइड अभी देखेगा वो। खिड़की बाहर मत खाना। ठंडे में है तो फिर ठंडे का रहता है। वो तो फिर नहीं थे तो सब चढ़ते ही थे। चढ़ते थे तो साधन हो गया था, नहीं जा रहे थे। टाइम टाइम से यहाँ पे थे। पानी वाले एक एक मटका कर वो यहाँ रात रहता ही नहीं था। वो साइड खेत है तो खाली जगह पड़ी है। पानी के बगल बगल में रेत है तो खेत है, जगह पड़ी है। सलकनपुर मंदिर आस्था और श्रद्धा का पावन व शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को पत्थर से बनी 1451 सीढ़ियां चढ़नी होती है। हालांकि अब सलकनपुर देवी मंदिर ट्रस्ट ने पहाड़ी यहां सड़क पहाड़ी पर जो है गाइस सड़क भी बनवा दी है। साल भर भक्त भोपाल, इटारसी, होशंगाबाद, पिपरिया, सुहागपुर, बैतूल सहित दूर दूर से टोलियाँ बनाकर गाते बजाते पैदल ही यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई है, काफ़ी अच्छी शानदार, और साथ ही साथ आजू बाजू यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई है। ज्यादा नहीं चलता है। Thank you.
ठीक है, आते टाइम ले लेंगे, चले। तो दोस्तों ये है रोपवे का स्टेशन और ये जा रहा है यहाँ पे केबल कार यानी कि रोपवे। एंड गाइस यहाँ से अब हम ऊपर की ओर चलेंगे माता रानी के दरबार में, यहाँ से रास्ता दिया हुआ है तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सीढ़ियों से चलकर हमें ऊपर आना होता है, जो कि ये पहला रास्ता है, दूसरा रास्ता केबल कार और तीसरा गाइस सड़क वाला मार्ग। कुछ इस प्रकार का मंदिर का नज़ारा आपको काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर आपको विजयासन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। फोटो लू, वीडियो बनाया हूँ, वीडियो। यहाँ पे गाइस लोग अपनी मनोकामनाएं के लिए यहाँ पे जो ये बांधते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। तो हम आ चुके हैं दर्शन करके मंदिर से बाहर। कुछ इस प्रकार से मंदिर का जो ये एरिया है गाइस देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर यहाँ पे बना हुआ है ये। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जो है बगीचा भी बना हुआ है, काफ़ी सुंदर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा विजयासन धाम सलकनपुर का। अभी हम ऊपर साइड भी जाएंगे और ऊपर दिखाएंगे क्या कुछ है। और यहाँ पे हम पहले दर्शन करके एक राउंड जो है गाइस वो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे मॉम डैड के साथ आया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं और देख ले, काफ़ी पहाड़ी में स्थित है गाइस ये मंदिर, तो यहाँ से जो व्यू है गाइस काफ़ी मस्त दिखता है। 1000 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है, विजयासन मंदिर, और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है गाइस आजू बाजू का बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत दिखता है। अगर आप भी सलकनपुर धाम जाने की सोच रहे हैं तो गाइस अक्टूबर से अप्रैल तक का समय बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय गर्मी नहीं होती है और अभी हम जो आए हुए हैं गर्मी के सीज़न में आए हुए हैं, जिसके कारण गाइस सीढ़ियां जो है भक्तगणों को चढ़ने में तकलीफ़ नहीं होती अगर आप जो है अक्टूबर से अप्रैल के बीच आते हैं। तो यहाँ पर पापा जी जो है मम्मी जी की फ़ोटो ले रहे हैं, तो काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे जो व्यू है गाइस काफ़ी सुंदर है, जो बनाया गया है यहाँ पे टेंपल वो भी काफ़ी अमेजिंग है गाइस। यहाँ पे गाइस इस धाम में साल भर भक्तों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन नवरात्रि के समय आने वाले दर्शनार्थियों का जो संख्या है लाखों में होती है, और इस समय यहाँ काफ़ी भव्य मेला भी लगता है। ये वाला जो गेट देख रहे हैं आप, ये जो सड़क मार्ग से जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं गाइस, वो वाला गेट है। तो इधर साइड से श्रद्धालु आते हैं गाड़ियों से, फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर से जो सड़क मार्ग है उससे, तो इस गेट से प्रवेश करते हैं वो।
अभी और भी काम यहाँ पे चल रहा है मंदिर का। यहाँ पे और भी कई सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनवाई जा रही है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा जो टीन सीट वाला जो ये बना हुआ है गाइस, ये यहाँ से सड़क मार्ग है और आजू बाजू यहाँ पे दुकानें लगी हुई है जहाँ पे पूजा सामग्री के साथ साथ और भी बहुत सारी सामग्रियाँ यहाँ पे मिलती है। तो जो फोर व्हीलर या टू व्हीलर वाले जो आते हैं श्रद्धालु, वो इसी रास्ते से आते हैं और लगभग 200-300 मीटर की दूरी तक ये जो लंबा सा टीन शेड है गाइस वो बना हुआ है ताकि धूप वगैरह है उससे थोड़ा राहत मिल सके। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपनी लिए या फिर कुछ सामग्रियाँ, बहुत सुंदर सुंदर सामग्रियाँ यहाँ पे मिलती है तो आप उन्हें ले सकते हैं यहाँ पे। और जो पूजा की सामग्री है यहाँ पे, जो हमारी मम्मी जी है वो कान्हा जी के कपड़े यहाँ से ले जा रही हैं, जो कि काफ़ी सुंदर मिल रहे हैं यहाँ पे कपड़े जो कान्हा जी है उनके लिए। हो गया ये पापा लस्सी खाते हुए। ये आप यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी अमेजिंग यहाँ से इस पहाड़ी से आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड है वो काफ़ी छोटी दिख रही है और जो कार वगैरह जो गाड़ियाँ जा रही है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये सड़क मार्ग वाला आप गेट देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और साथ ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड में गाइस बगीचा है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो कि काफ़ी गर्मी में काफ़ी ज़्यादा राहत देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे भी हैं श्रद्धालु और यहाँ पे कुछ मंकीज भी आपको देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी मज़े कर रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए दिया जाता है और काफ़ी यहाँ पे उधम करते हैं। तो काफ़ी मस्त लगता है यहाँ पे जो विजयासन धाम है यहाँ पर। आजू बाजू गाइज यहाँ पे जो पर्वत है आप देख सकते हैं उसका नज़ारा, विंध्याचल पर्वत पे विराजमान बिजासन माता विंध्यवासिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध है गाइज ये मंदिर सलकनपुर का। यहाँ पर गाइज आप अक्टूबर या अप्रैल के आसपास आते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि जो पहाड़ी है गाइज वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं गाइज वो हरे भरे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टाइम जो है यहाँ पे आने का काफ़ी बेहतरीन होता है। इसके अलावा गाइज नवरात्रि में यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे सलकनपुर दर्शन के लिए गर्मियों में अगर आप आते हैं तो भीषण गर्मी होती है जिससे चढ़ाई चढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ पे आपको केबल कार या फिर रोपवे का मदद लेना पड़ेगा या फिर आप वाहन से भी आ सकते हैं।
ये मंदिर के अंदर का स्थान है जहाँ पे सब श्रद्धालु बैठे हुए हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो मांग रहे हैं। एंड अब हम यहाँ से निकलेंगे गाइस, रोप वे से ही। इसका जो टाइमिंग होता है वो 5-6 बजे तक रहता है, रिटर्न भी होना पड़ता है, उसके बाद बंद हो जाता है ये। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको गाइस सीढ़ियों से जाना पड़ सकता है या फिर आप वाहन से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस रोप वे में ये केबल कार आ चुकी है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। केबल कार आ चुकी है और हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, और जाते जाते अब आपको यहाँ पे दोबारा से कुछ नज़ारा आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, रोपवे से किस प्रकार का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप गर्मियों के सीज़न में आते हैं विजयासन धाम सलकनपुर। तालाब भी भरा रहता हूँ, अभी सब सूख गया है। आजकल का झाड़ है, फगुन का झाड़ भी नहीं है, ये चंगल है तो है। सो गाइस आप ये जो तालाब देख रहे हैं ये बरसात के मौसम में पूरा भरा हुआ रहता है, और आजू बाजू गाइस जो पेड़ पौधे हैं गाइस वो हरे भरे दिखते हैं, तो जो नज़ारा है गाइस वो अलग ही लेवल का आपको देखने को मिलता है। ये धर्मशाला में शादी होती है। सो गाइज हम दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे होशंगाबाद के लिए।